हेलो दोस्तों, वेलकम टू धमाका स्टॉक चैनल। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हो सके तो बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आप लोगों के पास ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन चला जाए। और एक बात, पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आप लोगों को इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे, कुछ भी इंफॉर्मेटिव लगे तो मेरे वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को एक लाइक मुझे हर रोज अच्छा अच्छा शेयर ढूंढ के उसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए एनर्जी देता है। अभी सीधे आ जाएंगे मेन टॉपिक पे। तो आज हम लोग बात करेंगे जीएसके फार्मा और ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड के बारे में, ठीक है। तो ये शेयर आपका क्लोज हुआ था लास्ट दिन, मतलब आपका कल के दिन 1639.70 पे, लगभग हाई गया था 1739.75 एंड लो गया था आपका 1627। फिनस्टर्न ने इस कंपनी को 4 out of 5 का रेटिंग दिया है, जो बहुत ही अच्छा है। इसका जो टोटल मार्केट कैपिटल है वो आपका है 27,724.14 करोड़ और कंपनी के ऊपर डेट थे ओनली 0.02 करोड़, मतलब ना के बराबर ही डेट थे। तो इसका जो डेट इक्विटी रेशियो आ रहा है वो आपका आ रहा है 0, क्योंकि ये डेट एकदम ना के बराबर है आपका मार्केट कैपिटल के मुकाबले, तो एकदम ना के बराबर है। और कंपनी के पास अभी आपका कैश फ्राउ हुआ है आपका 1157.68 करोड़, मतलब जो डेट थे कंपनी कभी भी चाहे तो उसको चुका सकता है, ठीक है। और इस कंपनी में कैश फ्लो एज पर प्रॉफिट का रेशियो है आपका 1.39। किसी भी कंपनी में अगर कैश फ्लो एज पर प्रॉफिट का रेशियो 1 और 1 से ज्यादा होता है तो हम लोग उसको अच्छा मानते हैं, और यहाँ पे 1 से ज्यादा ही है। और इस कंपनी में आपका अर्निंग पर शेयर है ₹29.11, रिटर्न ऑन इक्विटी आपका है 21.30%, जो कि बहुत ही अच्छा है। आरओसी आपका है 32.95%, ये भी बहुत ही अच्छा है। एंड प्रॉफिट ग्रोथ इस कंपनी में इस साल में हुआ है आपका 224.91%, जो जबरदस्त है, ओके। और प्रमोटर्स का होल्डिंग इस कंपनी में है आपका 75%। किसी भी कंपनी में अगर प्रमोटर्स का होल्डिंग 40% और उससे ज्यादा होता है तो हम लोग उसको अच्छा मानते हैं, और यहाँ पे 40% से ज्यादा है तो एक अच्छी बात है। और एक अच्छा बात है कि ये जो 75% आपका प्रमोटर्स का होल्डिंग है, इसमें आपका कुछ भी शेयर प्लेस नहीं है, ये भी एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। तो फंडामेंटली एक बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग शेयर है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सीधे चले जाएंगे चार्ट पे, और हर बार की तरह पहले हम लोग बिना इंडिकेटर लगा हुआ चार्ट एक बार देख लेंगे। तो ये 1 मिनट चार्ट ओपन हुआ करके रख के इसको 1 डे में कन्वर्ट कर लेते हैं पहले, ठीक है। 1 डे में कन्वर्ट हो चुका है। अभी अगर ध्यान से देखिएगा तो ये शेयर आपका लगभग अक्टूबर महीने में चल रहा था कितना, 1450 पकड़ लीजिए, तब से इस शेयर में हम लोगों को अपट्रेन देखने को मिल रहा है, ठीक है। अभी हम लोग सीधे चले जाते हैं इंडिकेटर लगाओ चार्ट पे, और चार्ट को थोड़ा सा मिडिल में लेके आते हैं तो आप लोगों को समझने में आसानी होगा। तो देखिए इस जगह पे एक कब का दिन था, 15 नवंबर का दिन था, यहाँ पे सुपर टेन ने बाय सिग्नल दिया था। उसके बाद वाला दिन हम लोगों को थोड़ा बहुत गिरावट देखने को मिला, फिर उसके बाद वाला दिन यहाँ पे हम लोगों को तेजी देखने को मिला, लेकिन कल के दिन में फिर से गिरावट देखने को मिला। लेकिन अच्छा बात है कि जो ये जो कल के दिन में गिरा ये, लेकिन सुपर टेन का जो सपोर्ट लेवल है इसको तोड़ नहीं पाया, एक अच्छा साइन है। दूसरा देखिए आरएसआई भी अभी तक आपका 60 का जो लेवल है उसके नीचे नहीं आया, ये भी एक अच्छा पॉइंट है। और एमएसीडी भी आपका 0 पॉइंट से ऊपर है, मतलब डेली चार्ट में हम लोगों को अभी तक एक एवरेज पोजीशन दिख रहा है। और मुझे जो गिरावट दिख रहा है, मुझे तो लगता है कि ऐसे गिरावट में हम लोगों को फ्रेश एंट्री लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए, जब हम लोग इसका वीकली चार्ट एंड मंथली चार्ट देखेंगे तो आप लोगों को क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा इसका एक बार वीकली चार्ट भी देख लेंगे। तो अभी देखिए मैंने यहाँ पे वीकली चार्ट ओपन कर लिया है। अगर ध्यान से देखिएगा तो जस्ट 2 हफ्ता पहले यहाँ पे सुपर ट्रेन ने बाय सिग्नल दिया था, उसके बाद थोड़ा बहुत एक आपका न्यूट्रल कैंडल फॉर्म हुआ, उसके बाद वाला कैंडल ऐसा पॉजिटिव फॉर्म हुआ। तो कैंडल स्टिक पैटर्न के हिसाब से जब भी ऐसा कैंडल फॉर्म होता है उसके बाद वाला कैंडल अगर पॉजिटिव फॉर्म होता है तो ज्यादातर चांस रहता है कि शेयर ऊपर की तरफ भागेगा, ये तो उस हिसाब से भी एक अच्छा बात है। दूसरा, आज के डेट में ये शेयर प्राइस जिस प्राइस पर ट्रेड कर रहा है वो आपका 100 डेज एंड 50 डेज मूविंग एवरेज से ऊपर है। RSI भी आपके अबव 60 और MACD देखिए क्लियरली यहाँ पे हम लोगों को शो कर रहा है कि जस्ट कुछ हफ्ते पहले यहाँ पे ऊपर गया है और लगातार यहाँ पे पॉजिटिव कैंडल फॉर्म करते हुए जा रहा है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा इसका मंथली चार्ट भी एक बार देख लेंगे, ओके। तो मंथली चार्ट ओपन कर लेते हैं।
देखिए मैंने यहाँ पे मंथली चार्ट ओपन कर लिया। अगर ध्यान से देखिएगा तो इस जगह पे ये आपका था 2020 अप्रैल का महीना, तब यहाँ पे सुपर ट्रेंड ने बाय सिग्नल लिया था, तब से ऐसे लगभग एक ही जगह पे ट्रेड कर रहा है एक ही रेंज पे, लेकिन मंथली चार्ट के हिसाब से। लेकिन सुपर ट्रेंड का जो सपोर्ट लेवल इसको तोड़ नहीं पाया, और यहाँ पे देखिए सपोर्ट लेने के बाद फिर से शेयर ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। RSI भी देखिए आपको ऊपर की तरफ, मतलब 7 का जो लेवल है उसको उसके तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, और MACD अगर देखें तो 0 पॉइंट से ऊपर है, लास्ट वाला कैंडल भी यहाँ पे आपका पॉजिटिव कैंडल फॉर्म हो चुका है। तो मेरे हिसाब से इसका जब करंट मार्केट प्राइस चल रहा है लगभग 1640 का भी पकड़ लेंगे, तो इसी प्राइस पे अगर इस शेयर को खरीदा जाए तो ये शेयर बहुत जल्दी, मुझे जो लगता है कि 4 से 5 महीने के अंदर ये शेयर 1780-1800 का जो लेवल है उसको अचीव कर लेगा। लेकिन कुछ भी एक्शन लेने से पहले आपका जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उससे एक बार जरूर कंसल्ट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूं और मैं यहाँ पे किसी भी तरीके का कुछ भी टिप्स नहीं देता हूं। तो मैं क्या करता हूं, मेरा जितना टेक्निकल एंड फंडामेंटल का नॉलेज है उसके ऊपर बेस करके वीडियो बना के आप लोगों को सही इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूं कि कौन सा शेयर फंडामेंटली कैसा है, कौन सा शेयर टेक्निकली कैसा है। धन्यवाद।